बढ़ते आगे, कानपुर के परेड मैदान में रामलीला का शानदार मंचन किया गया। आपको बता दें कि 139 सालों से हर साल नवरात्र में रामलीला का मंचन किया जाता है। तो 139 साल से हो रही परेड रामलीला के 9वें दिन का मंचन बड़े धूमधाम से किया गया। परेड ग्राउंड में रामलीला की शुरुआत भव्य झांकियों के साथ की गई। रोज ये झांकियां पूरे परिसर में निकलती हैं। बच्चों ने राम, लक्ष्मण, कृष्ण, राधा, हनुमान बनकर दृश्य दिखाए। मंचन की शुरुआत भगवान रामचंद्र की आरती से की गई। रामलीला के 9वें दिन विभीषण, शरणागत, सेतुबंध, लक्ष्मण, शक्ति, कुंभकर्ण व्रत का मंचन किया गया। परेड रामलीला की विशेषता, यहां मौजूद मुस्लिम परिवार सहित हजारों दर्शक रहे। बड़काऊ सुख लाभ है, करीब 50 साल हो गए रामलीला में। सर, रामलीला की लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है? नहीं, बढ़ी है, जनता बहुत आ रही है, सब पैसा आ रहा है, पब्लिक खूब बढ़िया पसंद कर रही है। क्या क्या बदलाव किए गए? अब हनुमान जी जो उतर रहे हैं वो बदलाव, लंका में बदलाव, सजावट में, सिंहासनों में चेंजिंग काफी आई है पुराने से। बाजी तो यही है 4 दिन की, उसके बाद हनुमान जी का थोड़ा डिफरेंट है। आपकी हाँ, अब युवा ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हनुमान जी आपकी जो है उड़ के जाएंगे, मतलब उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हर साल से अलग युवा इस बार व्यवस्था की, इस बार जो है वो महल भी रहा फूलों का राम बारात में, तो मतलब हर साल कुछ चेंज रहता है। ताड़कावध फुलवारी लीला के द्वारा भगवान के उनकी चीजों का मंचन मिलेगा। हमें इससे शिक्षा लेनी है कि ताड़का जैसी आसुरी शक्ति को भी भगवान ने किस प्रकार से मारा और किस प्रकार से सारे जो ऋषि मुनि थे उनको सांत्वना प्रदान की ताकि वे अपने यज्ञ आदि अच्छे रूप में कर सकें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परेड ग्राउंड में जिस तरह से झांकियां निकाली जा रही हैं और रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर जो लोगों का हुजूम वहां पर नजर आ रहा है, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि आज भी रामलीला के प्रति लोगों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि एक उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और बखूबी इस मंचन को, इस दृश्य को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों का एक जमावड़ा, एक हुजूम इस पूरे रामलीला के मंच में नजर आ रहा है। इस नजारे को देखने के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। एक धूमधाम से जिस तरह से मंच सजाया गया है और लोग हजारों की दर्शक में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं।